गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सत श्री अकाल। अभी मैं हूँ अमृतसर में, गोल्डन टेंपल के बिल्कुल बिल्कुल ही 10 मिनट वॉकेबल डिस्टेंस पे मुझे एक होटल मिल गया। और अमृतसर में मैं पहुँचा था कल रात को। एडिटिंग का टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा है, वीडियो एडिटिंग बहुत मुश्किल हो रही है क्योंकि मैं कहीं पे एक दिन से ज़्यादा नहीं रुक पा रहा हूँ। जहाँ पे रुक पा रहा हूँ वहाँ पे इतना समय नहीं होता है कि मैं एडिटिंग करते रहूँ। एक ही ऑप्शन है मेरे पास, या तो एडिटिंग करो या तो फिर आप एक्सप्लोर करो। तो मैं फिलहाल एक्सप्लोर कर रहा हूँ। कल रात को यहाँ पे पहुँचा था, बहुत ठंडी थी और अभी भी टेम्परेचर यहाँ पे 10 डिग्री है। अभी मैं फिलहाल हूँ अमृतसर में। बॉम्बे से चला था, बॉम्बे से अहमदाबाद गया, अहमदाबाद से अंबाजी गया, अंबाजी से जोधपुर आया, जोधपुर से मैं निकला और जाना तो था किमसर, लेकिन मैं पहुंच गया उसके आगे। मैं रात उस दिन रात को रुका बीकानेर में। तो बीकानेर से फिर मैं आया अनूपगढ़, अनूपगढ़ से फिर मैंने एंट्री की पंजाब में, और पंजाब से मैं अभी पहुंचा हूँ अमृतसर जहाँ पे मैं रुका हूँ। और एडिटिंग का टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। वीडियो एडिट करना ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। जो भी यूट्यूबर्स या फिर जो भी ब्लॉगर्स ये चीज़ कर पाते हैं, कंटिन्यूस काम करते करते उसी दिन एडिट करते हैं और उसी दिन वीडियोस पोस्ट कर देते हैं, उन लोगों को सच में दिल से सैल्यूट कि वो लोग ये चीज़ कर पाते हैं। यानी एडिटिंग इतना डिफिकल्ट टास्क है कि जो भी यूट्यूबर्स ये कर पाते हैं ना, हैट्स ऑफ टू देम। मैंने बीच बीच में एक दो दिन कोशिश की थी एडिट करने की, बट हो नहीं पाया। एडिट करके पोस्ट करूँगा। सो फाइनली फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है यूट्यूब पे। सुबह 6 बजे से बैठा था, अभी बज रहे हैं 2। सो ऑलमोस्ट 8 घंटे 9 घंटे लग गए एडिटिंग फिनिश करने में और बाकी की चीज़ें। सो नहा के तैयार हूँ, अभी फिर से मैं गुरुद्वारे में जाऊँगा और वहाँ से फिर आगे देखते हैं क्या है ऑप्शंस। गुड आफ्टरनून। सो अभी मैं आ गया हूँ हरमंदिर साहिब। यहाँ पे आने की बहुत इच्छा थी। यहाँ पे आपको सर कवर करके जाना पड़ता है, यानी ये बेसिक है, काफ़ी लोगों को पता भी होगा। यहाँ पे जो है वहाँ पे मैंने शूज़ रखे हैं, शू रैक, काफ़ी बड़ा शू रैक है, यानी कम से कम 2-3 हज़ार शूज़ एक साथ रख सकते हैं, ऐसे इतना बड़ा है। ये गली जो है सीधे जाती है हरमंदिर साहिब। गुरुद्वारे की तरफ आने वाली हर एक गली ऐसे सजाई गई है, तो वो कोई भी गली हो इसी तरीके से पूरी तरह सजाई गई है। मेरे ख्याल से 500 या 600 मीटर तक हर जगह से, जिस तरफ से भी आप आओ उस तरफ से आपको ऐसे डेकोरेशन देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे लंगर है इस तरफ, तो मैं पहले खाना खाऊंगा क्योंकि 2:30 बज गए। सुबह 6 बजे से एडिटिंग ही कर रहा था, तो अभी मैं फ़िलहाल खाना खा लूँगा, उसके बाद दर्शन के लिए जाऊँगा। कपड़ा नहीं ले।
इतना चल जाएगा। थैंक यू। लंगर में खाऊंगा और सीधे आके गोल्डन टेंपल पे मज़ा आ रहा है मुझे। यहाँ पे आने के बाद एक अलग सी एनर्जी है, यानी हर काम अपने हिसाब से सब लोग कर रहे हैं, किसी को कोई रोक टोक नहीं है। जिसको सेवा करनी है वो सेवा कर रहे हैं, जिनको सेवा दी गई है वो सेवा अपने हिसाब से कर रहे हैं। ये इस तरह का अरेंजमेंट है यहाँ पे। तो ये है बाबा अटल राय साहेब जी का गुरुद्वारा, जो स्वर्ण मंदिर से बिल्कुल कुछ कदमों के दूरी पर ही है। गुरु श्री गुरु गोविंद साहेब जी के पुत्र बाबा अटल राय साहेब जी, इनका जन्म 16वीं सदी में अमृतसर में हुआ। बाबा जी के पास जन्म से ही काफ़ी सारी अलौकिक शक्तियाँ थी। बचपन से ही वो बहुत ही होशियार और धार्मिक थे। हर रोज शाम को वो अपने दोस्तों के साथ खेला करते थे। अटल जी गुरु हरगोविंद साहिब जी के सबसे प्यारे थे, इसलिए वो उसे हमेशा समझाते थे कि तुम्हें मिली हुई शक्तियों का दुरुपयोग कभी ना करना, और अगर कभी इसका इस्तेमाल करना पड़े तो बहुत ही सावधानी से करना। कहानियों की माने जाए तो अटल जी का एक प्यारा सा दोस्त था जिसका नाम मोहन था। वो हमेशा साथ में खेला करते थे। एक दिन
जब वो बैट और बॉल से खेल रहे थे उस वक्त देर शाम हो जाने की वजह से उन्हें खेल को वहीं पर रोकना पड़ा। तब अटल जी ने कहा कि मोहन कल सुबह हम यहीं से खेल शुरू करेंगे, और वो दोनों घर चले गए। घर जाते जाते मोहन को सांप ने काट लिया और उसकी मौत हो गई। सुबह खेलने के लिए जब अटल जी आए तब मोहन को ना देख के वो काफ़ी हैरान हुए और वो उसे ढूंढने के लिए उसके घर पे गए। वहाँ जाके उन्हें पता चला कि मोहन की मौत हो गई है। तब बाबा जी ने अपने शक्तियों का इस्तेमाल करके मोहन को फिर से जीवित कर दिया। यह बात पूरे शहर में बहुत ही तेज़ी से फैलने लगी, और जब ये बात हरगोविंद जी को पता चली तो इसे सुन के उन्हें बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। अटल जी ने ईश्वर की मर्जी के खिलाफ अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके मोहन को फिर से जीवन दान दिया था। इसी वजह से पश्चाताप के कारण उन्होंने अपने प्राणों को त्यागने का निर्णय किया। 30 जुलाई 1628 को 9 साल की उम्र में बाबा अटल राय साहिब जी ने अपने प्राणों को त्याग दिया। इसके पश्चात गुरु हरगोविंद सिंह जी ने कहा कि अटल के जाने के वजह से कोई भी दुखी ना हो। उन्होंने जिस जगह पे उनके अंतिम संस्कार हुए उस जगह पे उनके उम्र के बराबर 9 माले बनाने का आदेश दिया। इसी जगह पे है ये बाबा अटल राय साहिब जी का गुरुद्वारा, जो करीबन 9 मंजिला है। पूरे अमृतसर शहर में इससे ऊंची कोई भी इमारत नहीं है, और ना ही इसे इससे ऊंची कोई इमारत बनाने की इजाज़त दी जाती है। तो आप जब भी गोल्डन टेंपल विजिट करें उस वक्त इस गुरुद्वारे में ज़रूर जाइएगा।